नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक न्यूज चैनल श्री डूंगरगढ़ टाइम्स। आइए देखते हैं आज 3 अक्टूबर 2024 को हमारे क्षेत्र से खास खबरें एक साथ वीडियो न्यूज बुलेटिन में। क्षेत्र के गांव जाखासर में किसानों ने बिजली समस्याओं से परेशान होकर 2 माह लगातार धरना देकर जीएसएस का कार्य प्रारंभ करवाया। आखिरकार जीएसएस का कार्य पूरा होने पर बुधवार शाम को 132-33 केवी की बैटरियां चार्ज कर इसे चालू कर दिया गया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता भीकाराम मेघवाल ने तिलक लगाकर मशीनों को इनको शुरू किया। विभाग द्वारा आयोजित पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम में मेघवाल ने ग्रामीणों व किसानों को ट्रिपिंग से राहत मिलने की बात कहते हुए मात्र 1 हफ्ते में इसे पूरी तरह से सुचारू कर दिए जाने का विश्वास जताया। अधीक्षण अभियंता दित्य ललित कुमार मेहता ने कहा कि इससे जाखासर ग्राम पंचायत सहित बड़जांगसर, बापियों व राजेड़ू की सप्लाई में जबरदस्त सुधार होगा। कार्यक्रम में सहायक अभियंता प्रथम कौशिक मनोज गोड़, सहायक अभियंता द्वितीय राजेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता जितेश स्वामी, अमित भाटिया, इंजीनियर सुपरवाइजर जयशंकर शर्मा, वेल्डर प्रथम आनंद सिंह, टेक्नीशियन महेश सुथार मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों ने जाखासर के ग्रामीणों को सहयोग के लिए आभार जताया और ग्रामीणों ने बिजली राहत देने के लिए अधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान सरपंच मणिलाराम सारण सहित गांव के अनेक मौजूद ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके लिए साहब बताया कि इससे क्या रहेगा, यहाँ पर गांव के लिए क्या क्या रहेगा विकास के लिए? हाँ जी, आज यहाँ 132 के वी जीएसएस जाखासर में 20/25 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर 9 लोड पे आज यहाँ इस डिशेस पर चालू कर दिया गया है। अभी 33 के वी साइड में थोड़ा काम बाकी है, उसमें कुछ समय कुछ दिन और लगेंगे जी, है ना, अधिकतम 10 दिन टाइम लग सकता है, कोशिश कम की रहेगी। अशोका बिडकॉन की फर्म काम कर रही है जी, तो जितना जल्दी हो इनको हफ्ते भर के अंदर रहना, ये 33 के वी काम भी पूरा कर देंगे जी। उसके बाद में ये सभी 33 के वी की सप्लाई यहाँ से इनकी सप्लाई चालू हो जाएगी, उस समय यहाँ से यहाँ के किसानों की लाइन जुड़ने से इनको यहाँ सप्लाई अच्छी रहेगी, वोल्टेज अच्छी गुणवत्ता के रहेंगे, वोल्टेज की कमी नहीं रहेगी। और सप्लाई अभी तो बार बार रेडी से इनकी सप्लाई यहाँ आ रही है, तो वहाँ से बार बार ट्रिपिंग आती है, ओलोडी वजह से तो समस्या हो रही है, समाधान हो जाएगा, समस्या से इनको काफ़ी इनका इनके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। आप बताएं इसके लिए कि सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी, क्या आपको इसका गुणवत्ता का फ़ायदा मिलेगा? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ज़्यादातर 1/32 में काम करने वाले सभी वर्कर्स और सभी कर्मचारियों को सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ से ज़्यादातर ग्राम पंचायत और उनके साथ ही बरजांग सर, बापेव, राजेड़ू सभी जगह यहाँ से बिजली जाएगी जी। और जो पीछे से ओवरलोडिंग की वजह से जो ट्रिपिंग हो रही थी और उनकी उन समस्या का निवारण होगा, और उसी के साथ है हाई वोल्टेज फुल क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरजाराम जी, आप बताएं इसके लिए। सरपंच साहब मल्लाराम जी, आप इस गांव के सरपंच हैं, तो आपको इसमें खेतों में क्या फायदा रहेगा, बिजली पूरी मिलेगी? हाँ, किसान बहुत खुश रहेगा जी, डबल इनकम होगी जी, बड़ी राहत मिली है बहुत, और पंचायत और आसपास के गांव। बहुत आपने बहुत सहयोग किया उसके लिए, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार है। तेरापंत भवन धोलिया नौरा में 25 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर का गुरुवार को समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक ताराचंद सारस्वत ने योग व प्राकृतिक चिकित्सा को भारतीय परंपरा बताया। समारोह की अध्यक्षता विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने की। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक सीताराम पारिक व योग गुरु ओम कालवा ने प्राकृतिक चिकित्सा व योग के महत्व के बारे में बताते हुए इसे व्यवहार में अपनाने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सीओ निकेत पारिक, तहसीलदार राजवीर सिंह कड़वासरा, समाजसेवी श्री गोपाल राठी व निर्मल डागा सहित जीव जतन जन कल्याण ट्रस्ट के मुख्य न्यासी जतनलाल पारख ने भी योग व प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व बताया। मंचस्थ अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया तथा स्वागत उद्बोधन बीकम चंद पुगलिया जयपुर ने दिया। सभी अतिथियों का आभार आचार्य तुलसी महाप्रज्ञा साधना संस्थान के अध्यक्ष हेमराज पुगलिया ने दिया। कार्यक्रम का संचालन विजयराज सेवक ने किया। सभी वक्ताओं ने शिविर में सहयोगी धर्मचंद्र बीकमचंद पुगलिया चैरिटेबल ट्रस्ट श्री डूंगरगढ़ कोलकाता का क्षेत्र में इस सेवा सहयोग के लिए आभार जताया। इस दौरान समारोह में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद गिरी गुसाई, तुलसीराम चोरड़िया, आनंद पारिख, केएल जैन, साहित्यकार श्याम महर्षि, एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ सहित अनेक मौजूद लोग शामिल हुए।
श्री डूंगरगढ़ थाना परिसर में नवनिर्मित पुलिस क्लब का उद्घाटन गुरुवार शाम को समारोह पूर्वक किया गया। फीता काटकर पर्दे का अनावरण श्री डूंगरगढ़ नागरिक संघ कोलकाता के अध्यक्ष व जीव जतन जन कल्याण ट्रस्ट के मुख्य न्यासी जतनलाल पारख, विधायक ताराचंद सारस्वत, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर ने किया। मंच पर अतिथियों सहित युवा उद्यमी अनिल जोशी, संघ के मंत्री महावीर जोशी, सीओ निकेत पारिक, सीआई इंद्र कुमार, तहसीलदार राजवीर सिंह कड़वासरा, पालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा, एडिशनल एसपी प्यारेलाल शिवराण सहित विक्रम सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे। एसपी काविंद्र सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी फिट रहे और एक्टिव रहे, इसके लिए पुलिस क्लब की परिकल्पना और इसे साकार रूप देने के लिए थानाधिकारी इंद्र कुमार का काम साथी पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणीय है। उन्होंने आम जन से पुलिस का साथ देने का आह्वान किया और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूक होकर अनुशासित नागरिक बनने की बात कही। एसपी ने दानदाताओं का आभार जताया और उनके सम्मान की आवश्यकता जताते हुए उनका हौसला बढ़ाने की बात कही। सभी अतिथियों ने जतनलाल पारख की सेवाओं व थानाधिकारी इंद्र कुमार के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। सभी अतिथियों सहित हरिओम तावणिया, श्याम सुंदर स्वामी, किशोर सिंह राजपुरोहित का सम्मान किया गया। थानाधिकारी इंद्र कुमार ने सभी का आभार जताया। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ इस पुलिस थाने में कई दिन पहले इस बिल्डिंग का आधा निर्माण हुआ था, कुछ कोई कारण से वो रुक गया था। लेकिन मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा थाना अधिकारी इंद्र कुमार साहब का, जिन्होंने प्रेरणा देकर। गुरुवार को क्षेत्र भर में अभिजीत मुहूर्त में मंदिरों व घरों में शक्ति के आह्वान के साथ घट स्थापना की गई। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ शारदीय नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो गया है। इस बार 10 दिन पूजन पूर्ण होने से भक्तों में उत्साह का माहौल है। देवी मंदिरों में विशेष सजावटें की गई है और 9 दिन देवी मंदिरों में भीड़ रहेगी। आरसरबास माताजी मंदिर, काळुबास के ददीमती माताजी मंदिर, सरकारी अस्पताल के पास कालका मंदिर और स्वर्णकार माताजी मंदिर में पूरे 9 दिन विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होंगे। वहीं सिंधी कॉलोनी के झूलेलाल मंदिर में गाजे बाजे के साथ ध्वजारोहण कर नवरात्र अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। गांव श्री डूंगरगढ़ ग्रुप का सोशल मीडिया पर सक्रियता के साथ 10 वर्ष पूर्ण होने पर सदस्यों ने रोगियों के लिए सेवाएं दी। ग्रुप के सदस्य एडमिन राजेंद्र स्वामी की अगुवाई में सुबह उपजिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती रोगी व उनके परिजनों को फल वितरित किए। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ और अपडेट रहे अपने क्षेत्र की हर खबर से। धन्यवाद। शुभरात्रि।